हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी डिस्कस अबाउट प्लांट माइक्रोब इंटरेक्शन। जैसे ह्यूमंस अपनी फूड रिक्वायरमेंट के लिए प्लांट के ऊपर डिपेंड होता है, ऐसे ही हमारे माइक्रोब्स होते हैं जो अपनी ग्रोथ के लिए प्लांट के ऊपर डिपेंड होते हैं। प्लांट्स हमारा नॉन मोटाइल होते हैं, बट डेली कॉन्टैक्ट में आते हैं बायोटिक और एबायोटिक स्ट्रेस के। बायोटिक स्ट्रेस होते हैं जो लिविंग थिंग्स होती हैं, एबायोटिक स्ट्रेस जो हमारी एनवायरनमेंट की फिजिकल कंडीशन होती है, सच एज टेम्परेचर, पीएच एंड ह्यूमिडिटी। प्लांट काफ़ी सारी ऑर्गेनिक कंपाउंड रिलीज करता है, जिसकी वजह से प्लांट की जो चारों तरफ का एनवायरनमेंट होता है वो माइक्रोबियल ग्रोथ के लिए फेवरेबल होता है, क्योंकि माइक्रोब्स हैं, उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड चाहिए ग्रो करने के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए, और प्लांट काफ़ी हाई अमाउंट में इनको रिलीज़ कर रहा है, तो वो एक फेवरेबल एनवायरनमेंट है माइक्रोबियल ग्रोथ के लिए। ऑर्गेनिक कंपाउंड रिलीज करने की वजह से प्लांट हैवीली लोडेड होता है माइक्रोबियल कम्युनिटी से। माइक्रोबियल कम्युनिटी भी काफ़ी सारी डाइवर्सिटी होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, जिससे प्लांट हैवीली लोडेड होता है। माइक्रोब्स जो प्लांट के साथ कॉलोनी बना के रहते हैं, प्लांट के ऊपर कॉलोनीज बनाते हैं, वो टू टाइप्स के होते हैं, एपीफाइट्स एंड एंडोफाइट्स। एपीफाइट्स होते हैं जो कॉलोनी प्लांट की सरफेस पे बनाते हैं, एंडोफाइट्स जो इंटीरियर पार्ट में होते हैं प्लांट के। माइक्रोबियल कम्युनिटी इन्फ्लुएंस प्लांट इनडायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट वे, दोनों ही तरह से करती है। प्लांट एंड माइक्रोब्स कैन हैव वैरायटी ऑफ इंटरेक्शन इंक्लूडिंग पैथोजेनिक, सिम्बायोटिक एंड एसोसिएटेड। पैथोजेनिक रिलेशन, पैथोजेनिक रिलेशन में क्या होता है कि जैसे कोई पैथोजन जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, दोनों ही तरह के होते हैं प्लांट के लिए, कुछ पैथोजेनिक होते हैं, कुछ बेनिफिशियल होते हैं, कुछ प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करते हैं, कुछ प्लांट को डैमेज करते हैं। तो सबसे पहला इंट्रैक्शन जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म और प्लांट का होता है वो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में होता है, जो सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस होता है, वो होता है एज अ फर्स्ट बैटल फील्ड बिटवीन प्लांट एंड पैथोजन। थर्ड है बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस एंड ओमाइसिटीज दैट कॉलोनाइज द लिविंग प्लांट टिश्यू आर एनकेस्ड इन दिस नैरो रीजन इन द इनिशियल स्टेप ऑफ इन्फेक्शन। इसी स्टेप, ये फर्स्ट स्टेप ऑफ इन्फेक्शन है, देयरफॉर इस वजह से द एपोप्लास्ट रीजन इज बिलीव टू बी एन इंटरफेस विच मीडिएट द फर्स्ट क्रॉसटॉक बिटवीन होस्ट एंड पैथोजन। होस्ट पैथोजन का फर्स्ट क्रॉसटॉक जो होता है इसी इंटरफेस में होता है। प्लांट भी अपने कुछ प्रोडक्ट रिलीज करता है और पैथोजन भी अपनी प्रोटीन सिक्रीट करता है, तो दोनों ही प्रोटीन का इंटरेक्शन एपोप्लास्टिक रीजन में होता है, और यहीं से फाइनल डिसीजन होता है कि प्लांट और पैथोजन या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बीच में किस तरह का रिलेशन रहेगा। थ्री टाइप्स का इफेक्ट डालता है पैथोजन प्लांट पे। फर्स्ट एंड नेक्रोट्रोफी, इसमें क्या होता है प्लांट सेल आर किल्ड। बायोट्रोफी, प्लांट सेल रिमेन अलाइव। हेमीबायोट्रोफी, प्लांट सेल इनिशियली अलाइव लेटर किल्ड। ये प्लांट पैथोजन इंट्रेक्शन हुआ। फिर आती है हमारी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। हमारे काफ़ी सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं। सिम्बायोसिस क्या होती है? ऐसे रिलेशनशिप जिसमें दो ऑर्गेनिज्म, एटलीस्ट टू ऑर्गेनिज्म होने ज़रूरी होते हैं, दो या उन दो से ज़्यादा के बीच में जो रिलेशनशिप एसोशिएट होता है वो होता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हमारे थ्री टाइप्स का होता है, म्यूटलिस्टिक, कॉमनसेलिज्म, पैरासिटिज्म। यहाँ पे हम देखते हैं म्यूटलिज्म। म्यूटलिज्म क्या होता है कि जब कोई भी दो स्पीशीज आपस में इंटरेक्ट करती हैं और दोनों ही स्पीशीज को एक दूसरे से कुछ बेनिफिट प्रोडक्ट मिलते हैं, वो होता है म्यूटलिज्म। ये जो टर्म है सबसे पहले पायरर वैन बैंडन ने डिस्कवर की थी, और म्यूटलिज्म में दोनों ही स्पीशीज एक दूसरे से बेनिफिट होती है। म्यूटलिज्म के एग्जाम्पल जैसे राइजोबियम है, रूट नोड्यूल्स पे रहती हैं, प्रोटिस्ट और फंजाई के बीच में म्यूटलिस्ट रिलेशनशिप होती है। टेरिस्ट्रियल प्लांट एंड इंसेक्ट फ्लावर्स के ऊपर आके बैठते हैं और उनके जो पोलन है वो दूसरे प्लांट पे ट्रांसफ़र कराते हैं, तो उससे क्या होता है दोनों ही जो हमारे रिलेशनशिप में ऑर्गेनिज्म है दोनों को ही बेनिफिट मिलता है। थर्ड आता है हमारा कॉमनसेलिज्म। कॉमनसेलिज्म में क्या होता है, इस रिलेशनशिप में बिटवीन टू डिफरेंट स्पीशीज़, इसमें क्या होता है इन विच वन स्पीशीज़ बेनिफिट्स
फ्रॉम द रिलेशनशिप एंड अदर इज नाइदर हार्म और हेल्प। एक स्पीशीज को तो बेनिफिट मिलता है कुछ ना कुछ और दूसरी स्पीशीज को किसी भी तरह से ना तो कोई बेनिफिट मिलता है ना ही कोई हार्म होता है। वो होता है हमारा कॉमन सेलिज्म। ये एग्जाम्पल है कॉमन सेलिज्म का। जैसे बार्नेकल्स अडेयर होती हैं वेल की स्किन पे, तो जो बार्नेकल्स होती है उसको तो बेनिफिट मिलता है इस रिलेशनशिप में, बट जो हमारी शार्क होती है उसको किसी भी तरह का ना हार्म होता है और ना ही कोई बेनिफिट मिलता है। अमेंसलिज्म में क्या होता है कि ये भी दो के बीच इंटरेक्शन है, तो इसमें क्या होगा, एन इंडिविजुअल स्पीशीज हार्म अनदर विदाउट ऑब्टेनिंग बेनिफिट। एक स्पीशीज को हार्म होगा और दूसरी स्पीशीज को उससे कोई बेनिफिट नहीं है। इस तरह की जो रिलेशनशिप होती है उसे हम अमेंसलिज्म कहते हैं। जिसे एक एग्जाम्पल से देखते हैं, अमेंसलिज्म एग्जाम्पल जैसे एल्गल ब्लूम हो गए। एल्गल ब्लूम अगर पानी में वाटर के अंदर इंक्रीज हो जाते हैं तो क्या होता है कि वहाँ पे फिश जो होती है उन फिश की डेथ हो जाती है, बट उन फिश की जो डेथ हुई है उससे एल्गी को कोई बेनिफिट नहीं होता है। ब्लैक वॉलनट ट्रीज क्या करते हैं, कोई एक केमिकल सीक्रेट करते हैं जिसकी वजह से अदर प्लांट्स की ग्रोथ नहीं होती है। दूसरे प्लांट तो ग्रो नहीं करते बट जो ये केमिकल सीक्रेट कर रहा है उसे इससे कोई बेनिफिट नहीं है। थर्ड है एलिफेंट स्टेपिंग। इसमें क्या होता है कि जब वो चलते हैं तो कुछ आंट्स वगैरह वो मर जाती है, लेकिन इससे एलिफेंट को कोई बेनिफिट नहीं होता और ये सारी ही प्रोसेस एक्सीडेंटली होती है। एक होता है हमारा पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म में क्या होता है, इंट्रैक्शन इन विच वन ऑर्गेनिज्म द पैरासाइट डराइव नरिशमेंट फ्रॉम द अदर ऑर्गेनिज्म द होस्ट। तो पैरासिटिज्म में क्या होता है कि वो नरिशमेंट लेता है दूसरे ऑर्गेनिज्म से और उसे किसी तरह से भी हार्म नहीं करता है। एक होता है हमारा सिनर्जिज्म। सिनर्जिज्म में क्या हो गया कि जब कोई एक ऑर्गेनिज्म किसी इफेक्ट को प्रोड्यूस कर रहा है, कोई केमिकल प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसका जो इफेक्ट होता है उस एक सिंगल केमिकल का वो उतना नहीं होता जितना अगर वो एक कॉलोनी में प्रोड्यूस करे तो तब होता है। तो सिनर्जिज्म में क्या हुआ, इंटरेक्शन और कॉर्पोरेशन ऑफ टू और मोर ऑर्गेनाइजेशन सब्सटेंस और अदर एजेंट टू प्रोड्यूस अ कम्बाइंड इफेक्ट ग्रेटर देन द सम ऑफ देयर सेपरेट इफेक्ट। जितना वो सिंगल सेपरेट इफेक्ट है उससे ज़्यादा अगर वो एसोसिएशन करे एक ग्रुप में तो तब उसका इफेक्ट ग्रेटर होता है एज कम्पेयर टू सेपरेट इफेक्ट। जैसे यहाँ है सिनर्जिस्टिक एक्शन ऑफ लैक्टोबैसिलस बल्गैरिस एंड स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस इन द प्रोडक्शन ऑफ योगर्ट।